हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने अपने हॉर्सेस के लिए एक स्टेबल बनाया था जिसमें मैं आसानी से अपने हॉर्सेस को बाहर निकाल सकूँ। तो वो रहा वो पीछे स्टेबल। और भाई यार, ये ट्रेटर बीच में क्या कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने तीन हॉर्सेज रखे हैं यहाँ पर। तो गेट्स मैंने इस तरफ लगाए थे तो मुझे उनकी सेटिंग अच्छी नहीं लगी, तो मैंने गेट्स अंदर की तरफ कर दिए। और गाइस यार, एक ट्रेटर कब से घूरे जा रहा है, देखते हैं बात क्या है। भाई क्या बात है यार, अब तो बात ही नहीं कर रहा। तो छोड़ो गाइस इसको, आप मेरी स्किन पर ध्यान दो। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर आज नई स्किन ली है। तो अगर आपको मेरी स्किन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपको अपनी पीछे कैप भी बताता हूँ कि कौन सी कैप है। तो देखिए, मैंने अपने पीछे क्रीपर कैप लगा कर रखी है। तो अगर आपको मेरी कैप भी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कैप कैसी लगी। और गाइस, इस कैप के साथ अलग ही फील आता है। ये देखिए, जैसे ही मैं भाग रहा हूँ तो ये कैसे उड़ रही है, तो इससे अलग ही मज़ा आता है गेम खेलने का। तो और यार, ये शीप क्या कर रही है बीच में। तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका मार के इसका वूल लेते हैं। और ये सोच रही है कि इसको गॉलिम बचा लेगा, इसलिए गॉलिम के पास भाग रही है। तो गॉलिम भी इसको नहीं बचाने वाला आज, छोड़ो इसको, हम बाद में देखेंगे। और भाई यार, ये क्रीपर बीच में क्या कर रहे हैं यार। ये क्रीपर तो यार, इनको एक तो गॉलिम भी कुछ नहीं करता क्रीपर्स को, बाकी सब ज़ॉम्बीज़ को मार लेता है, एंडरमैन तक को मार लेता है, क्रीपर को नहीं है कुछ करता। तो भाई मुझे इसको मारना पड़ेगा लगता है। और भाई फटना मत यार इसको, तो मैं बस तीन शॉट्स में आज ले डालूंगा इसको। तो यार ये लास्ट शॉट, और इसका काम तो हो गया आज यार। ये तो बड़ा डर लगता है यार इससे, अगर फट गया तो पूरी जगह ख़राब कर देगा। सो गाइज, मुझे उस तरफ कुछ मुफ्त का माल दिख रहा है। तो सबसे बड़ा पाप होता है मुफ्त का माल छोड़ना, तो हम इस पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम मुफ्त का माल उठा लेते हैं। तो भाई यार, मैंने शीप को तो छोड़ा था, ये वापस अंदर जाने की कोशिश करी है, इस बार तो इसका नहीं छोड़ना। तो मेरी वर्कशॉप के अंदर घुस के मेरी जगह ख़राब करना चाहती है। तो चलिए अब अपने मेन काम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक एक्सपी फार्म बनाने की सोच रहा हूँ। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे पास अभी काफ़ी कम कोबल स्टोन्स हैं, तो अब मुझे और इकट्ठे करने जाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी एक्स चाहिए। तो इतनी दो एक्सेस काफ़ी हैं, एक मेरे पास पहले की पड़ी है आयरन डायमंड की। तो अब चलते हैं जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे आसपास जो पहाड़ है उसको मैं पूरा खोद दूँ। सो गाइस, ये जो अभी हमने मेरे इन्वेंटरी में एक एंडर पर्ल, जहाँ इसको एंडर आई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये मुझे गॉलिम की वजह से मिली है। तो एक दिन मैं अपने छत पे गया था घर के, तो रात को काफ़ी इधर गर्मी थी, तो इस गेम में तो एक तो पंखे भी नहीं है, तो इसलिए मैं छत पे गया, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो मेरे को आवाज़ आती है, मैं क्या देखता हूँ, नीचे गॉलिम एंडरमैन को मार रहा है। तो एंडरमैन भी पता नहीं इसके पास क्या करने आया था, गॉलिम ने एक ही मारा और एंडरमैन का काम उधर ही हो गया। और फिर मेरे को उससे ये चीज़ मिल गई। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ अपनी माइनिंग की साइट के ऊपर। तो अब मुझे ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, मैं इसे ही खोदूंगा, क्योंकि इधर से मुझे काफ़ी सारा कॉबल स्टोन और काफ़ी सारी डर्ट भी मिल जाएगी। डर्ट किसी काम की तो नहीं है, तो इसे अपनी वर्कशॉप के अंदर रख देंगे, बाद में काम आ जाएगी डर्ट। तो जल्दी से इधर जितने भी कॉबल स्टोन हैं तोड़ लेते हैं सारे। सो चलो गाइज, अब मैंने ये काफ़ी सारे कॉबल स्टोन यहाँ से तोड़ लिए हैं। तो अब ये देखिए, पहाड़ की शेप भी कैसी हो गई, कोई ऊपर से तोड़े कोई नीचे से तोड़े। तो अब ये देखिए, मेरे पास काफ़ी सारे कॉबल स्टोन के स्टैक्स आ गए हैं और काफ़ी सारे डर्ट के स्टैक्स भी हैं। तो मेरे पास काफ़ी 20-25 कॉपर स्टोन के स्टैक्स हैं। तो अब चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। सो देखो गाइस, मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर आ चुका हूँ। तो मेरे पास जितने भी डर्ट के स्टैक्स हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उन्हें यहाँ पर रख देता हूँ। और जितने भी कॉपर स्टोन के चेस्ट के अंदर पड़े हैं वो बाहर निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास इधर सिर्फ 3 स्टैक्स हैं और कुछ 23 कॉपर स्टोन हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ से एक्स भी अपनी निकाल देता हूँ, जो मुझको चीज़ नहीं चाहिए वो यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ पर बनाऊँ, घर के ऊपर ही बनाना है वैसे। उससे पहले मुझे कुछ चेस्ट बनानी है और कुछ हॉपर्स बनाने हैं। तो इधर से मैं अपनी चेस्ट बना लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ 2 चेस्ट इस चेस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं पहले की। तो मुझे कुछ और 2 चेस्ट और बनाने हैं और 4 हॉपर्स बनाने हैं। तो ऐसा मैं यहाँ से अपने लिए जितनी चेस्ट बची हैं उतनी चेस्ट और बना लूँगा। तो अब मेरे पास ये देखिए, यहाँ से मेरे पास 5 चेस्ट आ चुकी हैं। तो मेरे पास अभी 4 ही चाहिए मुझे, ताकि मैं अपने हॉपर्स बना सकूँ। हॉपर बनाने के लिए मुझे आयरन और चेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ से अपनी एक चेस्ट को इधर रख देते हैं और बाकी की चेस्ट से हॉपर बना लेते हैं। तो हॉपर बनाने के लिए यहाँ पर मुझे चेस्ट रखनी है और मेरे को आयरन भी चाहिए। तो आयरन मेरे बैरल में पड़े हैं, 25 आयरन है, काफ़ी हैं, 4 हॉपर बन जाएंगे आराम से। तो सेंटर में मुझे चेस्ट रखनी है और इसके एक वी शेप में आयरन रखने हैं। तो यहाँ पर आयरन रखते हैं और एक ऊपर की तरफ, अब एक नीचे की तरफ रखना है चेस्ट के, और यहाँ पर वी शेप बन जाएगी। तो अब वी शेप बन गया, मेरे पास हॉपर भी आ चुका है। तो अब मेरे पास ये 4 हॉपर्स मैंने बना लिए हैं आराम से। देखो गाइस, अब मैंने यहाँ पर चेस्ट भी बना लिया है, मुझे जितने चेस्ट चाहिए थी 4 चेस्ट और 5 हॉपर। तो वैसे 5 हॉपर नहीं चाहिए, 4 ही हॉपर्स चाहिए हमको। यहाँ पर 2 स्लैब्स भी चाहिए हैं, तो 2 यहाँ पर मैं कॉबल स्टोन के स्लैब्स ले लेता हूँ। तो वैसे 6 मिल रही हैं, बाकी रख देंगे। 2 स्लैब भी चाहिए हमको लगाने हैं कॉबल स्टोन के। तो अब यहाँ पर मुझे कॉबल स्टोन के स्लैब भी मिल चुके हैं, अब चलते हैं हमने ऊपर की तरफ। तो वैसे मैं घर के ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ अपना एक्सपी फार्म, तो देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी खुली जगह है, तो मैं यहाँ पर ही बना लूँगा। तो ये जो मेरी वर्कशॉप के ऊपर का छत है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाऊँ जो ऊपर वाली छत पर। तो मुझे वर्कशॉप का छत काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर ही बना लेना चाहिए। वैसे जगह ज़्यादा जगह भी नहीं जाएगी इससे मेरी। सो गाइस, अभी जो जो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं उसे बाहर निकाल कर रख लेता हूँ। मुझे अभी हॉपर्स और चेस्ट चाहिए।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो चेस्ट रखनी है नीचे, जैसे लार्ज चेस्ट बन जाएगी और इसके पीछे भी एक ऐसी चेस्ट बनानी है बड़ी सी। तो यहाँ पर भी मैंने रख दी, यहाँ पर भी अब लार्ज चेस्ट बन जाएगी। तो ये भी लार्ज चेस्ट बन चुकी है, तो वो साइड गलत बन चुकी है क्योंकि उस साइड में कॉबल स्टोन रखना है। तो इसे भी मैं इस साइड ही लगा देता हूँ इस वाली चेस्ट को, तो इस चेस्ट को भी इस साइड लगा देते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर हमने चेस्ट लगा दी है, अब इनके ऊपर हमें हॉपर लगाने हैं, हर चेस्ट के ऊपर हॉपर लगाने हैं ताकि अब जो भी हॉपर के ऊपर गिरेगा वो सीधे चेस्ट के अंदर ही चल जाएगा। अब यहाँ पर हर चेस्ट के ऊपर हॉपर लगाएंगे, तो यहाँ पर चार हॉपर्स लगा दिए हैं। अब इन चेस्ट की साइड पे हमें कॉबलस्टोन की वॉल्स बनानी है, तो पहले मैं इस साइड से वॉल्स बनाना शुरू करता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें पूरे ऊपर तक ब्लॉक्स लेने हैं, तो अब यहाँ पर भी यार एक ब्लॉक गलत लग गया, तो इसे पिकैक्स से जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो ये तोड़ लेते हैं, तो फिर हमें ऊपर तक 20 ब्लॉक्स कुछ 23 ब्लॉक्स तक लेने हैं ऊपर, फिर हमारी वॉल बन जाएगी। ऐसे ही हमें इसकी तीनों साइड करना है। तो पहले हमें इन तीन साइड्स वाली वॉल को ऊंचा करना है, तो हमें सामने से भी वॉल लगानी है, पर वो वॉल बाद में लगानी है। तो पहले यहाँ पर ब्लॉक्स लगाने हैं ताकि हमारी वॉल बन सके। तो हमें इसके बाद एक और ऊपर ब्लॉक्स लगाना है हर तीनों की तरफ, तो हमें एक एक ब्लॉक और लगाना है, फिर उसके बाद हमें 23 ब्लॉक ऊपर लेना है। तो हम यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक्स लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एक और ब्लॉक। तो अब हर तरफ तीनों तरफ ऐसे ही लगाते जाना है। तो अब यहाँ से तीनों तरफ लगाने के बाद हमें अब यहाँ पर 23 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो गाइस अब हम 23 ब्लॉक्स ऊपर आ चुके हैं। सो गाइस अब मैं ऊपर तो हो गया, मैं नीचे कैसे जाऊंगा, मैं अपने साथ लैडर्स लाना भूल ही गया। तो अब यार एक ही तरीका है, जंप मार के नीचे जाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से अपने छत के ऊपर दोबारा आना पड़ेगा हमको, और हमारा ये सारा सामान इकट्ठा करना है। तो अब चलते हैं जल्दी से अपने छत के ऊपर। तो फिर हमें अपने सारी वॉल्स को ऐसे ही जैसे हमने पहली वॉल की, अब उसे भी बाकी की वॉल्स को भी ऐसे ही बड़ा करना है। तो अब सबसे पहले अपना यहाँ से सामान उठा लेते हैं, तो यहाँ पर मेरी एक्सपी भी गिरी हुई है, तो वो मुझे वापस मिल चुकी है। अब यहाँ से सारे के सारे वेपन्स और कॉबलस्टोन उठा लेते हैं, तो अब यहाँ से सारी वॉल्स को ऊंचा करना है। तो चलो गाइस अब मैंने यहाँ से सारे वॉल्स को ऊंचा कर लिया, और भाई यार ये ज़ॉम्बी कहाँ उड़ उड़ के गिर रहा है, लगता है गोली में इसकी बैंड बजा रहा है। तो गाइस अब यहाँ से हमने स्लैब्स लगाने हैं, तो यहाँ पर मेरे बाकी स्लैब्स कहाँ गए यार, बाकी स्लैब्स लगता है चेस्ट के अंदर गिर गए शायद, तो ये यहीं पर आए चेस्ट के अंदर। तो अब यहाँ से हमें साइड पर भी दो ब्लॉक्स स्लैब्स लगाने हैं, सॉरी। तो अब इसके ऊपर हमें कॉबलस्टोन रखने हैं जिससे हमारी वॉल कंप्लीट हो जाएगी। और भाई यार ये पीछे से कौन मार रहा है यार, दम है तो सामने आना, लगता है यार ये कोई स्कैली था। तो यार गोलिम ने अपने मार दिया होगा स्कैली को, तो यार ये भाई अपने आप ही डरा देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्पॉन होते रहते हैं। तो अब जल्दी से अपना काम कंप्लीट करते हैं गाइस। तो अब यहाँ से अपने ऊपर फिर से यहाँ से भी 23 ब्लॉक्स ऊपर लेके जाने हैं, जल्दी से इस कॉबलस्टोन की वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें साइड से भी वॉल बनानी है, तो मैं ये वाली वॉल काफ़ी स्पीड में से कंप्लीट करूँगा। तो गाइस अब मुझे यहाँ से भी नीचे जाने का मैं फिर से लाना भूल गया था, तो मुझे एक तरीका पता, तो यार ऐसे मेरी लाइफ बच गई काफ़ी सारी। तो गाइस मुझे पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था ताकि सब मेरा सामान बच जाता। तो अब चलो अब तो ट्रिक आ गई है, ये तो बाद में भी यूज़ करेंगे काफ़ी। तो अब यहाँ से यार अब बारिश भी आना शुरू हो गया, मुझे वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर चढ़ने के लिए मुझे यहाँ से नीचे लैडर बनानी पड़ेगी। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ अंदर, अब वहाँ से लैडर लाएंगे काफ़ी सारी। बस लैडर लाने से पहले हम सो जाते हैं, अभी काफ़ी झटके लग रहे हैं, तो भाई काम ठीक से नहीं होगा, तो भाई एक्सपी फार्म कैसे बनेगा डंका। तो जल्दी से जाकर पहले सबसे पहले सो जाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी होश आ सके। सो गाइस एक सुहानी सुबह हो चुकी है, तो अब अपना काम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से हमें लैडर बनानी है, तो अभी मेरे पास सिर्फ दो ही लैडर्स हैं, तो मेरे पास ये काफ़ी सारे लॉग्स भी पड़े हैं और प्लैंक्स भी पड़े हैं, तो मैं इन लॉग्स से काफ़ी सारे लैडर्स बना सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉग्स के हमें प्लैंक्स बनाने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टैक तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्लैंक्स का, बाकी अब प्लैंक्स को यहाँ पर रखना है, और प्लैंक्स को ऊपर रख के स्टिक्स बनानी है, तो इन स्टिक्स से मेरी लैडर्स बनेंगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे इनसे लैडर्स बन सकती हैं, तो देख दें कितनी, मेरे पास 17 लैडर्स हो चुकी हैं। तो मुझे और भी लैडर्स बनानी है, कुछ 20-23 लैडर्स तक बनानी पड़ेंगी। तो अब यहाँ से इधर स्टिक्स फिर से रख लेते हैं, तो अब यहाँ से मैं अपनी बाकी की लैडर्स भी बना लेता हूँ। तो अब गाइज यहाँ से मेरे पास देखने कितनी 23 लैडर्स हो चुकी हैं, तो अब इतनी लैडर्स काफ़ी हैं। जो सामान मेरे को नहीं चाहिए वो इस वापस बैरल में रख के चलते हैं बाहर की तरफ, अपने छत की तरफ चलते हैं। अगर छत पर जाने से पहले अपना ये डोर बंद कर लेते हैं ताकि कोई विच ना आ जाए, यार यहाँ पर काफ़ी सारी विचेस घूम रही होती हैं, तो अगर कोई अंदर आ गई विच तो मेरे ऊपर कोई पोशन फेंक सकती है, तो मेरी लाइफ ऐसी ही ख़त्म हो सकती है। तो अब जल्दी से यहाँ पर लैडर लगाते हैं, अपनी स्पीड में लैडर लगाएंगे इस बार, तो जल्दी से अपना फिर काम अपना ऊपर का कंप्लीट करेंगे। तो कैसे अब यहाँ पर मैं अपनी लैडर्स लगा लेता हूँ, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो यार यहाँ से तो नहीं लग रही, मुझे स्पीड में लगानी पड़ेगी अपनी लैडर। तो गाइस ये देखिए आपका आती है ऐसी लैडर लगाना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितनी इतनी तेज़ लैडर लगा सकते हैं। सो गाइस अब मैं यहाँ पर इन लैडर से आराम से ऊपर नीचे आ सकता हूँ। सो गाइस अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पर हमारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकें। तो मुझे यहाँ से पीछे की तरफ 8 ब्लॉक्स पीछे लेने हैं, 1, 2, यहाँ पर 3, फिर 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 8 ब्लॉक्स गाइस हम पीछे आ चुके हैं।
तो अब यहाँ से हर तरफ से ऐसा ही करना है, 8 ब्लॉक्स पीछे लेते जाने हैं। सो गाइज जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ऐसे तो हमें बाकी साइड भी करनी है। तो गाइज अब मैंने यहाँ पर चारों साइड्स पर ऐसे बना लिया, 8-8 ब्लॉक्स पीछे ले लिए हैं। तो अब गाइज यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक की ऊंची वॉल बनानी है एक, तो यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक्स लगने हैं, इसके ऊपर भी ब्लॉक। अब मैं यहाँ पर हर साइड पर ऐसा ही करना है। तो गाइज मैंने अपनी वॉल्स भी कंप्लीट कर ली हैं, तो अब यहाँ पर हमें सबको ज्वाइन करना है। अब पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर हमारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुकेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा करना है, पहले बाउंड्री बनाएंगे, फिर बाद में इसके ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा इस बाउंड्री के ऊपर। तो अब यहाँ पर अब रख लेते हैं जल्दी से, सारी तरफ हमें ऐसा ही करना है। सो गाइस अब मैंने यहाँ पर सारी तरफ बाउंड्री बना ली है, तो अब इन बाउंड्री को ज्वाइन करना है। सो गाइस अब काम करते करते काफ़ी रात हो चुकी है, अब यहाँ पर स्नोफॉल भी होने लगी है और ये एक्सपी हम इतनी ऊपर है, मुझे यहाँ पर ठंड भी लग रही है काफ़ी। तो इन उस तरफ से भी इसको ज्वाइन कर लेना है। तो हमारे इसके बीच में और कॉबलस्टोन्स लगाने हैं, फिर हमारा प्लेटफॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा और सारी तरफ से भी ऐसा ही करना है। सो गाइस अब मैंने यहाँ पर हमने सारी तरफ से ऐसा कर लिया, अब इनके बीच में कॉबलस्टोन्स लगाने हैं जिससे हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर हमारे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जो भी हैं स्पॉन होंगे। तो गाइस अब मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, अब बाकी की 3 साइड्स पर भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो चुका है, अब पूरे इसको कंप्लीट करना है। सो गाइस अब मेरा ये एक कंप्लीट हो चुका है, अब बाकियों को भी ऐसे ही करना है। सो गाइस अब मेरे ये बाकी सारे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब मैं बाउंड्री बनानी है ताकि हमारे मॉब्स जो भी होंगे स्पॉन यहाँ पर बाहर ना निकल सकें। सो गाइस अब मैंने यहाँ पर बाउंड्री भी बना ली है, तो अब इनके बाउंड्री को बस कवर करना है यहाँ पर ऊपर। सो गाइस अब इतना सारा बनाने के बाद काफ़ी सारे कॉबलस्टोन्स लग चुके हैं, तो मेरे पास अभी कुछ कॉबलस्टोन्स बचे हुए हैं। तो मैं उस माउंटेन को काफ़ी सारा तोड़ कर आ गया था जिससे मेरे पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन और डर्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ से मैं अपने जल्दी से पूरे छत को कम्प्लीट कर लेता हूँ जिससे पूरा अंदर अंधेरा हो जाएगा और ज़्यादा मॉब्स अंधेरे में ही आते हैं। तो अब जल्दी से इसे कम्प्लीट करने के बाद मेरे मॉब्स अभी तो स्पॉन नहीं होंगे क्योंकि अभी पूरा अंधेरा मैं नहीं करूँगा, एक जगह खुली रहने दूँगा ताकि मेरे मॉब्स अंदर आ सकें। सो गाइस अभी यहाँ पर मैंने एक जगह छोड़ दिया ताकि अभी से ज़ॉम्बी स्पॉन होने लगे तो मेरा तो काम इधर ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस जगह को रहने देते हैं, बाद में करेंगे। तो अब गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा सबसे पहले, और भाई मैं तो ये भूल ही गया मैंने अपनी लैडर्स कहाँ पे लगाई थी, जल्दी से खोद के देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर से वापस जंप मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फिर काम फिर से तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी तो लैडर नहीं है, जल्दी से देखते हैं इस तरफ ना हो। तो गाइस इस तरफ भी मेरी लैडर है, तो अब जल्दी से चलते हैं अपनी लैडर से नीचे और वाटर की बकेट लाते हैं। और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी टॉर्चेस भी लानी पड़ेंगी जिससे अभी के अभी ज़ॉम्बी स्पॉन होने शुरू हो जाएं, और मुझे यहाँ पर काफ़ी अंधेरा देख भी सकूँ मैं अंदर। उसके बाद अब जल्दी से अपने नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं और वहाँ पर ही मेरी वाटर बकेट्स पड़ी हुई हैं। तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए मेरा एक्सप्लोर कैसा था। तो अब यहाँ पर चलते हैं जल्दी से नीचे, वाटर बकेट लानी है और कैंडल्स भी लानी है। मेरे इधर बैरल के अंदर चेस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं टॉर्चेस, 44 टॉर्चेस हैं काफ़ी हैं, और ये बैरल के अंदर मेरे बकेट्स पड़ी हैं, एक बकेट में पानी है और एक बकेट खाली है। तो जल्दी से अपने नीचे ही पहाड़ के नीचे नदी है, तो वहाँ से अपने बकेट भरकर ले आएंगे जल्दी से। सो गाइस यहाँ से अभी ज़ॉम्बी तो कोई नहीं, जल्दी से भागते हैं और बकेट भरकर लाते हैं। सो गाइस मैं अपनी बकेट भरकर ला चुका हूँ, तो अब जल्दी से अपने छत के ऊपर जाना है, अपने एक्स फार्म के अंदर यहाँ बकेट से पानी भरना है। सो गाइस अब काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे डर है कि वहाँ पर कोई ऊपर ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो गया, और ऊपर काफ़ी अंधेरा भी था। तो अब जल्दी से चलकर देखते हैं, अगर कोई ज़ॉम्बी हुआ तो उसे देख लेंगे, भाई बस क्रीपर नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं, हमने यहाँ पर मैंने वॉल नहीं लगाई अभी, हम अंदर जा सकता हूँ भाई, टॉर्चेस भी नहीं है यहाँ पर, काफ़ी अंधेरा है। उसके जैसे मैंने सोचा था वहाँ पर तो क्रीपर है भाई, जगह सारी फोड़ गया यार, स्कैली भी मार रहे हैं काफ़ी सारे, जल्दी से इनका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ही काम तमाम कर देंगे। सो गाइस एक का तो काम हो गया, जल्दी से इसको भी करते हैं। सो गाइस मैं तो बच गया यार, यहाँ पर क्रीपर ने काफ़ी सारा नुकसान कर दिया मेरे, यहाँ पर पहले टॉर्चेस लगा लेते हैं यहाँ पर, और मॉब्स स्पॉन होने शुरू हो जाए, अगर और हो गए फिर तो भाई हालत मुश्किल है इसको बनाना। तो जल्दी से मुझे स्कैली का वो मिल चुकी है, एन्चांटेड वो थी यार इसके पास, काफ़ी सारे एन्चांटेड वाले लेकर घूमते हैं, वैसे इनका तो कोई काम नहीं है लेकर घूमना ऐसी बेफिजूल के। जल्दी से इसे ठीक कर लेते हैं ताकि हम मेरे मॉब्स नीचे ना गिर जाएं, वो यहाँ पे स्पॉन होंगे तो नीचे ना गिर जाएं इसलिए। तो जल्दी से ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इस जगह को रहने दूंगा, ये मेरे यहाँ पर लैडर्स हैं। तो जल्दी से हमने पानी भरते हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पर हमने कंप्लीट कर देता हूँ, अब काफ़ी सारे लाइट है अंदर, अब ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे अभी के अभी, तो मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो फिर जब मैं नीचे जाना होगा तो अब मैं फिर उसके बाद अपनी मैं टॉर्च सारी की सारी तोड़ लूँगा। तो अब इसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा, और अब कहीं से भी लाइट अंदर नहीं आ सकेगी। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब ये टॉर्चेस के वजह से यहाँ पर लाइट है, अगर टॉर्चेस नहीं हो तो यहाँ पर मॉब अभी का भी स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर पहले सबसे पहले वाटर बकेट डालनी है, तो इसे अभी खुला रहने देता हूँ, अभी मुझे ऊपर भी जाना है। तो अब सबसे पहले मुझे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, अब अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 2 कॉबल स्टोन्स लगाने होंगे। अब यहाँ पर जो 2 वाटर बकेट है दोनों के दोनों यहाँ पर ही डालनी पड़ेंगी, तो अब एक यहाँ पर डालनी है और एक यहाँ पर डालनी है। सो गाइस जब यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है, मैं जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार पानी ले सकता हूँ। तो अब सबसे पहले इसे रहने देते हैं, अब बाकी साइड से पानी डालते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब हमने 8 ब्लॉक इसलिए पीछे लिया था ताकि पानी पूरे परफेक्ट जगह पर रह सके, अब हम दूसरी बकेट भी भर लेते हैं। सो गाइस देखिए अब यहाँ पर मेरा पानी बिल्कुल नीचे भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल आगे जाके उस ब्लॉक के पास जाके रुक गया है।
अगर नीचे जाता तो ये ख़राब हो सकता था और मेरे ज़ॉम्बी बिल्कुल आराम आराम से नीचे गिरने लगते। सो गाइस अभी सारी साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बस ये लास्ट साइड रह गया अनलिमिटेड वाटर सोर्स वाली, इसे भी जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो गाइस अब इसे तोड़ने के बाद पहले अपनी बकेट भर लेता हूँ, बाद में काम आएंगी। सो अब यहाँ से कॉबल स्टोन तोड़ लेते हैं, हम यहाँ से भी नीचे चल चुका है। सो गाइस अब भैया हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे बस ये टॉर्चेस तोड़नी है। अब हमारा एक्सपी फार्म पूरा की तरह कंप्लीट हो चुका है, सो अब जल्दी से अपनी टॉर्चेस तोड़ लेते हैं। अब ऊपर भी आ चुके हैं, अब ऊपर हमें कुछ टॉर्चेस और लगानी पड़ेंगी ताकि मॉब्स इधर ना स्पॉन हो जाए। तो जल्दी से जितनी भी टॉर्चेस हैं उनमें से काफ़ी सारे टॉर्चेस इधर लगा देता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉब्स अंदर ही स्पॉन हो, ऊपर स्पॉन ना हो मेरे मॉब्स। सो गाइस अब मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉर्चेस लगा दिए, अब कुछ इस साइड भी लगा देंगे और यहाँ पर अपनी एंट्री के पास भी कुछ लगा देंगे। सो गाइस यहाँ पर भी काफ़ी सारी टॉर्चेस लग चुकी हैं, सो इतनी टॉर्चेस अब काफ़ी हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, जो नीचे टॉर्चेस हैं उन्हें तोड़ना है अब। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉर्चेस लग चुकी हैं, जल्दी से चलते हैं नीचे और जो नीचे वाले टॉर्चेस को तोड़ते हैं। अब यहाँ पर फिर कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा। सो गाइस ऊपर आने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, एक ब्लॉक से ऊपर जाना था और इतने सारे ब्लॉक्स इधर उधर लग गए। तो जल्दी से इन ब्लॉक्स को तोड़ लेते हैं, फिर अपनी टॉर्चेस को भी तोड़ लेते हैं जिससे हमारे मॉब्स स्पॉन होना फिर यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जल्दी से मुझे टॉर्चेस को कलेक्ट करना है और अपने सारे टॉर्चेस को कलेक्ट करने के बाद जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर पूरे अंधेरे से मॉब्स यहीं पर स्पॉन होना जल्दी से शुरू हो जाएंगे। तो अपनी सारी तरफ की टॉर्चेस को तोड़ लेते हैं। गाइस अब इसे भी तोड़ लिया, अब यहाँ पर सिर्फ इतनी, यार मैंने यहाँ पर इतनी टॉर्चेस क्यों लगाई, एक जगह पर एक ही लगानी चाहिए थी। तो चलो कोई नहीं, इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं सभी टॉर्चेस को। भाई अब यहाँ पर लार्ज टॉर्च चाहिए, तो अब इसे कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाएगा, हमें जल्दी से नीचे भागना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट अंधेरा हो चुका है, अब चलते हैं जल्दी से नीचे की तरफ। तो गाइस यार ये मेरे को कहाँ पर लेके जा रहा है, पहुँच गया यार मैं, बड़ा मुश्किल था वहाँ से निकलना। सो मुझे यहाँ पर एक कॉबल स्टोन लगाना है जिससे पूरा कंप्लीट फार्म बंद हो जाएगा। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, अब यहाँ से देखिए मेरा फार्म कैसा लग रहा है। तो मेरा पूरा एक्सपी फार्म बन चुका है। बस यार ये पानी कहाँ से आ गया, लगता है कोई गलत बकेट डल गई है कहीं पे। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ और मैं ये फार्म कंप्लीट करते हैं, उसके जल्दी से चलते हैं ताकि ऊपर फिर से कोई मामला स्पॉन हो गया, लग रहा है कि कोई हो गया होगा पक्का। सो गाइस अब मैं ऊपर आ चुका हूँ जल्दी से, यार यहाँ पर तो अभी कोई मॉब स्पॉन नहीं है, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइस यार इस पानी से बड़ा ख़राब कर दिया सारा का सारा मज़ा। तो अब जल्दी से पिकैक्स से तोड़ते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से ऊपर, इस पानी को बंद कर देते हैं, फिर मेरा पूरा कबूर फार्म कंप्लीट हो जाएगा इस बार। तो अब जल्दी से इसे भी बंद कर देते हैं। सो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ जल्दी से, ये वाला जो मेरे सबसे पहले जहाँ पर मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया था वहीं से पानी गलत आ रहा है। तो अब जल्दी से इसे मैंने बंद कर लिया, अब कॉबल स्टोन को तोड़ लेते हैं, फिर अपनी जो भी वाटर बकेट्स हैं उन्हें डालकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं अपने वाटर फार्म एक्सपी फार्म को। सॉरी हम यहाँ से ये वाली बकेट, सो गाइस अब मेरे यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे अपनी कैंडल्स ये टॉर्चेस कलेक्ट करनी है, फिर मेरा पूरा फार्म कंप्लीट हो जाएगा। गाइस अब यहाँ से भी कैंडल कलेक्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे की तरफ। सो गाइस अगर आपको भी मेरा बनाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइस अब मैं नीचे आ चुका हूँ, देखिए मेरा एक्सपी फार्म यहाँ से कैसा लग रहा है। तो अभी ये घर की साइड पे बनाया है मैंने, काफ़ी सारे अच्छे लुक आ रही है घर की। सो गाइस ये देखिए कितना ऊंचा मेरा एक्सपी फार्म, तो यहाँ से काफ़ी घर की भी लुक अच्छी लग रही है यहाँ से इस एक्सपी फार्म की वजह से। सो गाइस पता नहीं किस किस के साथ लड़ाई की है इस गॉलिम ने, काफ़ी सारे यहाँ पर मीट और बोन्स हैं आज यार। गाइस दो दो अनचार्टेड बोन्स मिल चुके हैं, और भाई यार क्रीपर यहाँ अंदर आ कहाँ से जाते हैं। सो गाइस इसे भी मार लेते हैं, नहीं तो अपनी वर्कशॉप पूरी की पूरी ख़राब कर देगा। इसे बाहर बुला के इसका भी काम ख़त्म करते हैं। सो भाई आ जा आ जा। सो गाइस यार गॉलिम इसको कुछ करता ही नहीं ना, यही तो गड़बड़ है। गाइस जल्दी से इसे भी दूर ले आते हैं अपने घर से, अगर फटे भी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यार ये क्या कर दिया दूसरे वाले क्रीपर ने। सो गाइस यार ये काफ़ी जगह ख़राब कर दी मेरी। सो गाइस आप यहाँ पर पहले मेरे एक्सपी फार्म को देख लो एक बार। सो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, और गॉलिम तू भी बोल दे बाय बाय अपने व्यूअर्स को। बोल है यार क्या भाव खा रहा है इतना, बोल यार बोल, नहीं तो मार खा। और भाई नहीं नहीं सॉरी सॉरी मत बोल मत बोल भाई यार, मार भी तो मत इतना ज़्यादा यार। वैसे भाई यार क्या कर रहा है गाइस, इसको समझाओ कोई। सो गाइस आप जितने लाइक्स करेंगे उतना इसका दिमाग बढ़ेगा मेरे गॉलिम का, यार इसको पता ही नहीं है किसने इसको बनाया, उसी को मारे जा रहा है। सो गाइस आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए बाय बाय। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business.